वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने कोविड वैक्सीनेशन के साथ कोरोना काल में जिंदगी गंवा चुके चिकित्सकों के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी दिए जाने के संबंध में चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एडी हेल्थ रमेश गोयल, अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रेखा रानी चतुर्वेदी, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे, एडिशनल CMO डॉक्टर NK पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जनपद में किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यों की समीक्षा की और कहा कि महीने में एक दिन मेगा वैक्सीनेशन का आयोजन किया जाए, जिसमें प्रतिदिन के हिसाब से 3 गुना वैक्सीनेशन किया जाए। इसके अलावा अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों और चिकित्सकों की हुई मौत के संबंध में बताया कि जिस भी कर्मचारी की मौत कोरोना से हुई है उनके सभी कागजात जल्द से जल्द विभाग में जमा करा दें, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, और 77 से कैसे वो 154 हुआ, कैसे 500 हुआ, कैसे 1000 हुआ, कैसे 38000 पूछा कि एकदम से कोई उसमें स्कोप भी नहीं था। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है और यही समय है तैयारी का। ऑक्सीजन के प्लांट्स लग रहे हैं, ऑक्सीजन के बेड्स हैं, हर चीज ट्रेनिंग है। तो डॉक्टर्स की, नर्सेस की, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और टेस्टिंग बहुत ही मेटिकुलस, और इस समय चूंकि केस तो 34, 35 और 40 आ रहे हैं, तो आराम से जो है 40-50 कॉन्टैक्ट ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितने ये नहीं सोचिए कि साहब हमको कहा है कि 30-25 कॉन्टैक्ट तो अपील करिए, जब 40-50 केस है पूरे स्टेट में तो 50 कॉन्टैक्ट ढूंढा लिए, जो भी मिलता है ढूंढा लिए, उसको कर डालिए, उसका जो है टेस्टिंग उसको करवा डालिए, ताकि जितना अगली आइडेंटिफिकेशन होता जाएगा उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे, और जहां पर कम इंफेक्शन हुआ है वहां वैक्सीनेशन जोर शोर से जरूर करवाई। थैंक यू वेरी मच। बलरामपुर कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लो। 2020 में पॉजिटिव हुए और इसके बाद रिकवर किए, लेकिन उनको कुछ ना कुछ पोस्ट कोविड सेकेंडरी लगी रही, ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुई लास्ट ईयर, और जो 76 में चले गए, अभी इस मई में सर एक्सपायर किए। तो वहाँ थे उस समय, तो वो वहाँ के जो है अगर ड्यूटी पर थे तो सर्टिफाई करेंगे तभी कुछ होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारे किए, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, लेकिन बाकी जो उनके क्लेम्स हैं वो सारे उनको दिलवा दिए जाए जल्दी से जल्दी। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वैक्सीनेशन को लेकर हुई थी, जिसमें कि हमारा वैक्सीनेशन का टारगेट अच्छा 20,000 दिया गया, तो उससे ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सुचारू रूप से चले। दूसरा पॉइंट था कि हमारे विभाग में स्टाफ की डेथ होती है, तो उस डेथ में लोगों को क्लेम नहीं मिल पाते हैं जल्दी, उसमें कोई कोई पेपर वगैरह की फॉर्मेलिटी की वजह से लंबा समय खिंचता है, तो शासन का निर्देश है कि कोई भी डेथ होती है अगर स्टाफ की, उसको बहुत जल्दी से जल्दी सारे उसको पेंशन और उसको नौकरी देना, नौकरी से लेकर के सारी चीज़ें उनको दे दिया जाए। इसके ऊपर चर्चा हुई है कि उसमें नाराज़ भी हो रहे, जहाँ जिन जिन जिलों में लोग लेट कर रहे हैं उनके लिए नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। और तीसरी, कोविड कंट्रोल जो है जिस तरह से चल रहा है इफेक्टिव चलना चाहिए, कोई भी सैंपलिंग कम नहीं होनी चाहिए, जितना टारगेट दिया गया उसकी सैंपलिंग होती है। मेगा कैंप लगा नहीं पा रहे कोई? मेगा कैंप की अभी अनऑफिशियल बात है, उसको अभी हम बताया नहीं जा सकता है, और जब समय आ जाएगा तो बताएंगे उसको।